नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रंजन। आप सभी का स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के पाठ्यक्रमों के बारे में, जिनमें से सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम जो है वो संख्या पद्धति है, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग यूकेजी से लेकर के अब तक का जो भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं संख्याओं को देखते ही रहते हैं, पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संख्या पद्धति की एक निश्चित प्रणाली के बारे में, जो एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं फिर सबसे पहले संख्या पद्धति के पहले क्रम पे। तो इनके संख्या पद्धति के सबसे पहले एक क्रम पे आता है, वो है प्राकृतिक संख्या, जिसमें से फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले इटली में हुई थी। इटालियन एक गणितज्ञ है जिनका नाम है पीनो। उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को ढूंढा और उनका उपयोग किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जितने भी धनात्मक नंबर होते हैं, वैसे मैं जितने भी अभी धनात्मक नंबर की अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त तो केवल धनात्मक ही हुआ करते थे, वो तो बाद में फिर आगे पता चला शून्य की खोज हुई, फिर ऋणात्मक नंबर की खोज हुई, लेकिन पहले जो बात आई है वो ये जो है प्राकृतिक संख्याओं में जितने भी हम लोग 1, 2, 3, 4 जितने भी धनात्मक नंबर थे उसको जानते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में जो इटालियन गणितज्ञ पियानो थे, उन्होंने ये बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा हम जनगणना के आधार पर करते थे। पहले के जो प्राचीन काल में होता था उसमें हम लोग जो भी कार्य प्रणालियाँ होती थी, चाहे वो राजनीतिक से संबंध हो, गणित से संबंध हो, अर्थशास्त्र से संबंध हो, चाहे जिस भी विषय से संबंधित है, उसमें हम लोग केवल और केवल प्राकृतिक नंबर्स के ही यूज़ किया करते थे। तो उसमें वहाँ पे जो है क्रम था, एक 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनगिनत क्रम थे। तो इसमें से सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। इसे देखिए कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एन का तात्पर्य है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, देखिए जितने भी धनात्मक नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 से अनगिनत जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो सबसे निम्नतम इकाई, यानी कि यह सबसे छोटी संख्या है, वो एक है। इसकी ये सबसे पहले मार्क करने वाली पॉइंट है कि जब भी हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटी संख्या एक होती है। और जैसे जैसे हम, मान लीजिए ये एक है प्राकृतिक संख्या, अब हम इस एक में कोई भी नंबर ऐड कर दें, कोई भी धनात्मक नंबर, मान लीजिए मैंने इसमें 2 ऐड किया, तो आप देख रहे हो ये जब प्लस जुड़ने के बाद जो है वो 3 हो जा रहा है। तो ये 3 यहां पर ये दर्शाते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या में कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाती है तो एक तीसरी नंबर बनते हैं जो एक स्वयं प्राकृतिक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमें यह पता चलता है कि प्राकृतिक संख्याओं में नंबर जोड़ने पे हमेशा प्राकृतिक संख्याएं ही हमें मिलती हैं। फिर बात आती है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं, और धनात्मक संख्याओं में कितनी ही क्यों ना संख्याएं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं तो हमने जान लिया, अब इसके संख्या पद्धति में जो आगे का क्रम है वो और कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एक शून्य नंबर से भी परिचित हैं, जो कि संख्या पद्धति के दूसरे क्रम में आते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को हम लोग व्होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश के टर्म में व्होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, व्होल नंबर्स बात आती है, देखिए तो जितने भी आपने अब तक प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा है, 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4 से लेकर जितनी भी अनगिनत संख्याएं हैं, जब वे सारी संख्याएं शून्य के साथ आ जाए, यानी कि शून्य के साथ लिखा हो, तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं
कहते हैं। अब देखिए, इसे जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार इसकी भी कुछ ना कुछ निरूपण रूप होंगे। तो देखिए, जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं को हम लोग w से जानते हैं। यहाँ W का मीन्स यहाँ पर वोल है, जैसे N का मीन्स यहाँ पे नेचुरल था, उसी प्रकार से W का मीन्स जो है वोल नंबर्स है। वोल मतलब पूर्ण होता है, ठीक है। तो वोल नंबर्स में वे सभी नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 से अनंत तक की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 भी आ जाए तो हम इन संख्या पद्धति को पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से इसकी कुछ न कुछ रिमार्क थे, कुछ न कुछ आवश्यकताएं थे, कुछ मान्यताएं हैं, ठीक उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं की भी कुछ मान्यताएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो थी वो 1 है, लेकिन आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या की जो सबसे छोटी इकाई है, अर्थात सबसे छोटी जो संख्या है वो 0 है, ठीक है। 0 के जो है, 0 को सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ढूंढा था, और उन्हीं के शुरुआत से हम 0 शब्द से परिचित हुए, 0 अंक से परिचित हुए। 0 एक ऐसा अंक है जो हर प्राकृतिक संख्या के साथ जुड़कर एक नए नंबर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे 1 और 0 मिलकर के 10 का निर्माण करते हैं। आप सभी देख सकते हैं, 1 में 0 लगाते हैं तो 10 आ जाते हैं, फिर 1 में अगर 2 0 लगाते हैं तो 100 हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये बढ़ते ही चले जाते हैं। चलिए, फिर अब बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, तो अब संख्या पद्धति का तीसरा क्रम क्या होगा। तो दोस्तों, तीसरा क्रम जो है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जी हाँ, पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमने 0 पढ़ा, हमने धनात्मक जितने भी सारी अंक थे 1, 2, 3, 4 से अनंत तक, जहाँ तक हम लोग गिन ना पाए उतनी गिनती तक। बात आती है फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए, जब पूर्ण संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें वे सभी संख्याएं हैं, फिर हमें पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसे हम लोग आम दिनों में हम लोग जो ऋण प्रणाली जो पढ़ते हैं, जैसे कि लोन लेना, या फिर जो हम लोग बात करते हैं कि हमने उससे उधार लिया किसी भी स्पष्ट व्यक्ति से, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उससे फिर हमें चुकाना भी पड़ता है, तो वो हम लोग एक ऋण के तौर पे मानते हैं। उस आधार पे हम लोग इसे ऋणात्मक संख्या के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वे संख्याएं होती हैं जिनमें पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋण संख्याओं का भी समावेश निश्चित होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, और इसे जो है जिस प्रकार से वोल नंबर को W से निरूपित करते हैं, इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को Z से निरूपित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल Z से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, Z में मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, यानी कि 0 प्लस में जितने भी नंबर्स होते हैं उनके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात निगेटिव नंबर्स, यानी कि जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो हम उन संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से प्लस अनंत तक की संख्याएं होती है, ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है प्लस के 0 भी पढ़ा है, लेकिन ये माइनस वाली जो संख्याएं हमने पढ़ा है वो थोड़ा हमारे लिए पहचानना मुश्किल है। वैसे तो आपने पढ़ा है, इससे पहले भी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये होते क्या है ये हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इंटीजर्स है वो इंटीजर्स के 2 पक्ष होते हैं। एक आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋणात्मक पक्ष है, दूसरा जो है वो धनात्मक पक्ष है, और ये बीच का जो 0 है
वो एक न्यूट्रल नंबर है जो धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी पक्ष में नहीं होता है। तो देखिए इस बात को जान लेते हैं कि यहाँ पर एक जेड प्लस भी आता है। अब ये जेड है तो जेड का हम खंडन मान सकते हैं, जेड का खंडन जो है वो जेड प्लस में होता है। तो जेड प्लस जो कि इसे हम धन पूर्णांक के नाम से जानते हैं, आइए इसे लिख कर देख लेते हैं। ये है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक को जेड प्लस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जेड प्लस धन पूर्णांक में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो देखिए जेड प्लस धन पूर्णांक में 1, 2, 3 से प्लस के जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हमने यहाँ पे पढ़ा है, वे सभी धन पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने धन पूर्णांक यहाँ पर पढ़ा है, इसी तरीके से हम लोग ये ऋण पूर्णांक है इसे भी जान लेते हैं। ऋण पूर्णांक में बात आती है, यहाँ ये ऐसे इसे हम लिख कर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऋण पूर्णांक जिसे देखिए जेड प्लस में था तो धन पूर्णांक है, यहाँ पर जेड माइनस में कर देंगे तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से आपने 1, 2, 3 से अनंत तक के धनात्मक नंबर्स को पढ़ा है, उसी तरीके से आपने जितने भी माइनस के नंबर्स पढ़े हैं, ये इस तरीके से लेकर के माइनस के अनंत तक का, इन सभी ऋणात्मक अंकों को हम ऋण पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो अंततः ये जो है हमारा स्पष्ट निष्कर्ष निकला है कि जो इंटीजर्स हैं उनमें न केवल प्राकृतिक संख्याएं ही अपितु इसमें जो है ऋणात्मक संख्या यानी कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इसके सही और सरल एक स्पष्ट परिभाषा अगर देखा जाए तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिसमें पूर्ण संख्याओं का समावेश निश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले संख्या पत्ति के अगले क्रम पे, यानी कि फोर्थ क्रम की। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है यानी कि फोर्थ में नंबर आते हैं हमारे अब परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। देखिए तो रेशनल नंबर्स जो है वो बेसिकली कोई ज्यादा अनजान या जो ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो हम लोग अनुपात के रूप में जानते हैं, जिन अंकों को हम अंश एवं हर के रूप में जानते हैं, अर्थात जिन अंकों को हम पी अपॉन क्यू के रूप में जानते हैं, इस प्रकार के प्राप्त संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसकी हम परिभाषा के तौर के रूप की ओर बढ़े तो हम ये देख पाते हैं कि जितने भी आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी हैं यानी कि पूर्णांक संख्याओं में वे सभी माइनस वाले नंबर्स आ जाएंगे, वे सभी प्लस वाले नंबर्स आएंगे और शून्य भी आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं में केवल और केवल धनात्मक और ऋणात्मक ही नहीं अपितु शून्य संख्याओं का भी समावेश होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं हैं जो इंटीजर्स यानी कि जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, उन पूर्णांक संख्याओं के दोनों पक्ष यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पक्षों का समावेश जो होता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर साधारण शब्दों में अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग अब तक जितने भी नंबर्स स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की जो भी स्टैंडर्ड में आप हो यानी कि 9th स्टैंडर्ड में अब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वे सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है और ये जो है ये पी अपॉन क्यू के रूप में जाना जाता है, जहां पर पी एंड क्यू जो है वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल जो होते हैं वो जेड के इक्वल भी होते हैं। तो आपने यहां पर देखा है इससे पहले वाले पेज में कि आपने देखा कि ये जो जेड है वो आपका इंटीजर्स को प्रदर्शित कर रहा था, तो यानी कि पी और क्यू यानी कि ये जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर है और ये जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, ये दोनों ही नंबर जो है वो जेड से निकल कर आ रहे हैं। अब ये पी अपन क्यू जो है ये पी और क्यू ये माइनस प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर ऐसे ही क्यू भी ये सभी हो सकते हैं, -3, -2, लेकिन यहां पर ये क्यू जीरो नहीं हो सकते हैं। शर्त ये है यहां पर
कि अंश में तो आप जीरो ले सकते हो, तो वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अंश में जो है देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो ले सकते हैं, तो ये अंश यानी कि p जो है वो जीरो हो सकता है, परंतु q नहीं हो सकता है। ये इसकी परिमेय संख्या की एक शर्त होती है, तभी वे परिमेय संख्याएं कहलाती है, अन्यथा अगर q जीरो हो जाए तो वो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि q अर्थात परिमेय संख्याएं जो हैं वे संख्याएं होती हैं जिनमें p अपॉन q यानी कि जो भी इंटीगर्स आप ले रहे हो, जो भी आप पूर्णांक संख्याएं ले रहे हो, चाहे माइनस का ले रहे हो या फिर प्लस का ले रहे हो, वे सभी संख्याएं जो है वो अनुपात के रूप में होते हैं। जी हाँ, अंश और हर के रूप में लिखे होते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर q की बात करें तो 4/2 एक परिमेय संख्या है, या फिर आप यहां पे ओनली 2 भी लेते हो तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, कि देखिए यहां पर आप ये अंश तो है लेकिन जब हर नहीं होता है तो हम देखते हैं कि यहां पर ये एक अपने आप आ जाता है, जो कि एक हर एक होता ही होता है। तो इस तरीके से ये भी संख्याएं भी एक परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं -4/2 ये भी एक परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए देखिए इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी नंबर जो है एक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ये समझ में आया है कि देखिए यहां पर p जो है वो जीरो हो सकते हैं अपितु q जो है वो जीरो नहीं हो सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि q जो है जीरो के इक्वल में नहीं हो सकता है, तो इस तरीके के प्राप्त संख्याओं को हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में, अब बात करते हैं उनके जो बात जो आता है क्रम संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में, वो है अपरिमेय संख्याओं को। तो देखिए ये इसे हम लोग नंबर फिफ्थ के नाम से जानते हैं, जिसे अपरिमेय संख्याएं जिसे हम लोग इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम लोग इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को पहले से ही जान चुके हैं, तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। वैसे तो आप लोग हिंदी अनुवाद से परिचित ही होंगे कि परिमेय संख्याएं में जब अ लग जाए यानी कि इसके विपरीत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, और अपरिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिन संख्याओं में परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं में p अपॉन q का रूप नहीं देखने को मिलता है, p अपॉन q का सेंस आपका जितने भी इंटीगर्स हैं उन सभी के साथ होता है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें अंतर कैसे किया जाए, अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमें उनके बीच भेद करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बीच एक केवल मात्र अंतर यह होता है कि अपरिमेय संख्याएं जो है वो हमेशा रूट पाई या फिर किसी भी डेसिमल नंबर्स में, अर्थात दशमलव के नंबर्स में पाए जाते हैं। इस तरीके से देखिए इसे जो है वो s से प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्याओं को s से प्रदर्शित किया जाता है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। फिर दूसरी चीज ये देख लीजिए, जितने भी आपने रूट के पढ़े हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, फिर आपने जितने भी पाई पढ़ा है, जी हाँ आप इस वक्त 9th स्टैंडर्ड में हो, कक्षा 9 में हो, तो आप ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने इस शब्द से तो आपने अपनी जान पहचान बना ही ली होगी। जी हाँ, ये पाई है, ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम में यूज होता है। तो कि जब पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं और हम ये ना बात करें कि अपरिमेय संख्याएं आई कहां से हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी वो, ठीक है। तो देखिए तो अपरिमेय संख्याएं जो है वो पहले से ही नहीं जाना गया था। जी हाँ, जिस तरीके से शून्य की खोज बाद में हुई है, ठीक है, उसी तरीके से अपरिमेय संख्याओं को भी बाद में जाना गया है। अब बात करते हैं इसमें जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे 0 पॉइंट जिसे हम डेसिमल के नाम से जानते हैं, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं, 0.11011 ये एक्सेट्रा, ये जितने भी नंबर्स होते हैं इन सभी नंबर्स को हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में जानते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं
संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और नंबर सिस्टम जो है वो केवल और केवल एक ही शब्द की ओर इशारे करते हैं, एक ही अंक की ओर बतलाते हैं, वो है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, वास्तविक संख्याओं से मतलब है रियल नंबर्स, जिसे हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्या है। अब बात आते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जितने भी अब तक प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, फिर हमने परिमेय को पढ़ा, फिर अंततः अपरिमेय को ही पढ़ा, तो जितने भी आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा है, ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ को ही, उसके मिलन को ही, उसके संगम को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। जी हाँ, इसको जो है कैपिटल लेटर R से प्रदर्शित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी आपने पढ़ा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को, जैसे कि अगर हम मान लें ये आपने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, याद कीजिए मैं जब आपसे बात कर रहा था प्राकृतिक संख्याओं की, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर, जिसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता। ठीक है, तो ये n होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं वे सभी संख्याएं रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर बात करते हैं हम लोग व्होल नंबर्स की, W फॉर व्होल नंबर्स, तो व्होल नंबर्स में भी हम पाते हैं इतना ही है। ठीक है, फिर बात आती है इंटीजर्स की, जिसे हम लोग जेड के नाम से जानते हैं, जिसे हम जेड से निरूपित करते हैं। इस जेड में आप प्लस और माइनस, अर्थात धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों को ही जाना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स हो गए, व्होल नंबर्स हो गए, फिर आपने इंटीजर्स देख लिया, फिर जितने भी रेशनल नंबर्स आपने पढ़ाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि इन तीनों का संगम, जो कि रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप रेशनल नंबर्स को, जिसे आपने क्यू से प्रदर्शित किया था, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद जितने भी आपने अपरिमेय संख्याएं पढ़ा है, जिसमें आपने एस से प्रदर्शित किया था, इन सभी संख्याओं को आप वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे फिर से समझ लेते हैं। ये वास्तविक संख्या के प्रदर्शित चिन्ह है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए प्राकृतिक संख्याएं कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर व्होल नंबर आपने पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा, फिर परिमेय संख्या पढ़ा, तो हम ज्यादा इसको लेबरेट नहीं करते हैं, इसको एक सिंपल फॉर्म में एक समझ लेते हैं कि जितने भी आपने माइनस अनंत से लेकर के जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो -4 हो, -3/2 हो, 1/2 हो माइनस का, देन -1 हो, आफ्टर देन 0 हो, या फिर आपने पढ़ा 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, √2 पढ़ा है, इस तरीके से आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं जो कि प्लस अनंत तक जा रहे हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्याओं, आपने अब तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, चाहे वो रूट के फॉर्म में हो, चाहे प्लस के फॉर्म में हो, चाहे वो माइनस के फॉर्म में हो, आप संख्याओं का जिस रूप को भी आपने अनुभव किया है, जिस रूप को भी आपने पढ़ा है, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जी हाँ, अब चलिए आते हैं हम लोग एक पूरे फ्रेम में समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के वास्तविक संख्याएं तक, कि उन्हें किस तरीके से समझा जा सकता है। मैं यहाँ पर ये नंबर सिस्टम को एक बार और हिंदी में लिखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये लीजिए, अब आपका ये जो नंबर है वो पूरा हुआ। आइए अब हम लोग थोड़े सिंबल्स के तौर पे देख लेते हैं किस संख्याओं को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने नंबर 1 पे पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, अर्थात
प्राकृतिक संख्या है। उन प्राकृतिक संख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी धनात्मक नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर के जितने भी धनात्मक नंबर्स आपने पढ़े हैं उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर आपने सेकेंड नंबर पे पढ़ा है व्होल नंबर्स, अर्थात जब प्राकृतिक संख्याएं आपकी जो है जितने भी आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं वो उन संख्याएं जब जीरो के साथ जुड़ जाते हैं तो उन सभी संख्याओं को आप व्होल नंबर के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है तीसरी चीज, आपने पढ़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं लाइक ये 0, 1, 2, 3 से लेकर के प्लस अनंत तक का, वो माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1 और ये सभी आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपके जो है वो पूर्ण संख्याएं को प्रदर्शित कर रही हैं। इन पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक नंबर्स भी आ जाते हैं तो हम इन संख्याओं को इंटीजर्स का दर्जा देते हैं। फिर बात आती है नंबर फोर्थ की, जो कि रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात परिमेय संख्याओं के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यू से हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जिसे हम लोगों ने क्यू से प्रदर्शित किया था, और इसमें वे सभी नंबर्स आ जाते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पी अपॉन क्यू के रूप में जो भी अंश और हर होते हैं वो इंटीजर्स के रूप में होते हैं, जहाँ पर q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले वाले अध्याय में देखा, इससे पहले वाले पेज में देखा है। इस तरीके से हम लोग अब अगले क्रम पे चलते हैं संख्या पद्धति के, वो है इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे s से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और इसे जो है हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में, जितने भी आपने रूट वाले नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी पाई वाले पढ़े हैं और जितने भी आपने डेसिमल्स वाले पढ़े हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग एस अर्थात अपरिमेय संख्याओं के रूप में जानते हैं। और ये जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जितने भी संपूर्ण नंबर्स हैं, आपने सर्वप्रथम देखा कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याओं से ही आप देख रहे हो कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी पाया जा रहा है। फिर आपने अगले क्रम में देखा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं में भी मिल रहे हैं हमें। फिर देख रहे हो कि अब सभी पूर्णांक संख्याएं वो परिमेय संख्याओं के रूप में भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं हो, यानी कि जितने भी आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़े हैं वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होते हैं उन संख्याओं को हम अपरिमेय के नाम से जानते हैं। और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिलन को, के सभी नंबर्स को, जितने भी अंक पढ़े आपने उन सभी को हम रेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसमें हम नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें व्होल नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जिसमें रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 9th में इसी चैप्टर में आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आ रहे हैं कि इन वास्तविक संख्याओं पर दशमलव का क्या प्रभाव पड़ता है, दशमलव को किस प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर दशमलव को किस प्रकार से प्रसारित किया जाता है।
आइए देख लेते हैं। ये हमारे संख्या पत्ति का दूसरा टॉपिक है, वास्तविक संख्याओं पर दशमलव प्रसार। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी वास्तविक संख्याएं अभी हम लोगों ने पढ़ा, मान लिया कोई एक वास्तविक संख्या है जो कि p अपॉन q के रूप में है, मान लीजिए यहां पर 3/4 है, ओके। ये मान लिया हमने कि 3/4 जो कि एक परिमेय संख्या है जिसे हम वास्तविक संख्या के रूप में भी जानते हैं। अब इसे जो है हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। देखिए, को दशमलव प्रसार में ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, जो भी दिया गया आपका परिमेय संख्या है उसका सर्वप्रथम हम भाग देते हैं। तो चलिए आइए इस बात को लिख लेते हैं, दिए गए परिमेय संख्या का भाग किया, दिए गए परिमेय संख्या का भाग किया। अब हम पाते हैं कि भाग करने पे हमें क्या मिलता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम भाग प्रणाली दे सकते हैं जिसमें हम यहां देखते हैं कि ये आपका न्यूमरेटर अर्थात अंश है जो कि हमारा भाज्य होता है, ठीक है, और ये हमारा डिनोमिनेटर है जिसे हम हर के नाम से जानते हैं, जिसे हम भागफल में भाजक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब देखिए 4 के टेबल में 3 नहीं जाएगा तो डॉट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जाए 28 दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 में से 8 जाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। एक बार दशमलव देने के पश्चात आप 1 टाइम 0 और ले सकते हो। इस तरीके से हम देख सकते हैं 4 5 जाए 20 आ रहा है। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसमें जो है भाजक जो है आपका वो 4 है और इसमें जो आपका शेष आ रहा था वो शेष जो है, सर्वप्रथम आपने देखा कि 4 7 जाए 28 लेने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर पहले 2 निरूपित करेंगे और अंततः देख रहे हो आप 0 0 आ रहा है तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। और इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार जो है, और दशमलव अगर प्रसार की बात करें हम लोग तो दशमलव प्रसार 0.75 आ रहा है जो कि हमारा ये जो ज्ञात करना था हमें, यानी कि 3/4 को दशमलव प्रसार में हम इस प्रकार से 0.75 के रूप में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेंगे इसी चैनल पे अगले सेशन में। धन्यवाद।